वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनकन्फर्मिटी के ऊपर, ठीक है। अभी ऐसा एक टॉपिक है जो कि मल्टीपल जगह में यूज होता है, इसका कॉन्सेप्ट जो है मल्टीपल टॉपिक्स में यूज होता है। जैसे कि स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का बात कर लीजिए, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं इसका कॉन्सेप्ट यूज होता है। अगेन बात कर लीजिए स्टाटिग्राफी का, वहाँ पर भी इसका कॉन्सेप्ट यूज होगा। अगेन बात कर लीजिए सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी का, वहाँ पर भी इसका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यूज होने वाला है, ठीक है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि मल्टीपल जगह पे मतलब इसका कॉन्सेप्ट यूज होता है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये यूजफुल रहेगा। बट ये टॉपिक जितना हार्ड वगैरह दिखता है उतना हार्ड नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। बट ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह इसको समझ रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो ये टॉपिक बहुत ही ईजी है। तो बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है अनकन्फर्मिटी। तो अनकन्फर्मिटी है क्या? सबसे पहली बात तो ये अनकन्फर्मिटी हम जो बोल रहे हैं किसको बोल रहे हैं अनकन्फर्मिटी, या फिर ये चीज़ है क्या जो हम इसको पढ़ने वाले हैं, या फिर ये किस तरह डे टू डे लाइफ में हमें यूजफुल हो रहा है, ठीक है। तो अनकन्फर्मिटी क्या है? अनकन्फर्मिटी एक प्लेन है जो दो रॉक बेड को सेपरेट करता है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलेंगे दो मिनट के लिए जियोलॉजी को या फिर कुछ भी मतलब बुकिश लैंग्वेज को या फिर कुछ भी स्टडी रिलेटेड कंसेप्ट को भूल जाइए, सिर्फ इतना याद रखिए अनकन्फर्मिटी एक ऐसा प्लेन है जो कि दो रॉक स्ट्राटा को सेपरेट करता है, ठीक है। जैसे कोई भी दो रॉक स्ट्राटा है हमारे पास, सपोज ये कोई एक रॉक स्टाटा और ये एक कोई एक रॉक स्टाटा है, ठीक है। तो अनकन्फर्मिटी एक ऐसा मतलब प्लेन है या फिर ऐसा सरफेस है जो दो मतलब दो जो ये एक स्टाटा है ये भी एक स्टाटा है, तो इन दोनों को जो डिफ्रेंशिएट करेगा मीन्स एक स्टाटा से दूसरे स्टाटा को हम कैसे बोल रहे हैं कि ये कोई डिफरेंट स्टाटा है। सपोज इसका मैं नेमिंग करता हूँ ए, इट्स द स्टाटा ए एंड इट्स द स्टाटा बी, तो हम इसको नेमिंग कैसे करें क्योंकि इसमें डिफरेंस हमें दिख रहा है। डिफरेंस क्यों दिख रहा है? क्योंकि कलर के वेरिएशन पे, ठीक है। बट इन सम केसेस अगर आपको कलर का वेरिएशन भी नहीं दिखता है तो इसको डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे? एक यहाँ पर एक प्लेन रहता है, ठीक है। ये जो प्लेन है इसी प्लेन को कहीं ना कहीं हम बोल रहे हैं प्लेन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, या फिर इसी को ही हम बोल रहे हैं अनकन्फर्मिटी। तो आई होप अभी आपको समझ में आ चुका होगा अनकन्फर्मिटी है क्या। तो अब देखते हैं इसका डेफिनेशन की ओर। अनकन्फर्मिटी इज ए प्लेन ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अनकन्फर्मिटी क्या है? एक प्लेन है डिसकंटिन्यूटी का। डिसकंटिन्यूटी किसको बोलते हैं? कोई भी चीज़ कंटिन्यूटी में चलता रहेगा तो ब्रेकेज हो जाने के बाद उसको ही हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। जैसे अभी ये लाइन सपोज ये कोई एक रॉक बेड है, ठीक है। ये रॉक बेड यहाँ मतलब ये जो रॉक बेड है कंटिन्यूटी में और भी चलना चाहिए, ठीक है। ये एक रॉक बेड में बनाया ये और भी दूर ये आना चाहिए, बट यहाँ पर दूसरा आपको रॉक बेड दिख रहा है मीन्स ये रॉक बेड का कंटिन्यूटी यहाँ पर ब्रेक हो गया, ठीक है। इस लाइन पे इसका कंटिन्यूटी ब्रेक हो गया या फिर इस प्लेन पे इसका कंटिन्यूटी ब्रेक हो गया, तो इसी को ही हम बोले प्लेन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ओके। अनकन्फर्मिटी इज ए प्लेन ऑफ डिसकंटिन्यूटी दैट टू रॉक स्ट्राटा, ठीक है। दो रॉक स्टाटा के बीच में एक प्लेन ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। अनकन्फर्मिटी क्या है? एक प्लेन ऑफ डिसकंटिन्यूटी है किसके बीच में? दो रॉक स्टाटा के बीच में, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं। अनकन्फर्मिटी आर फॉर्म्ड व्हेन देयर इज ब्रेक ऑफ सेडिमेंटेशन। जब भी सेडिमेंटेशन का ब्रेक होता है या फिर सेडिमेंटेशन स्टॉप हो जाता है, दिस क्रिएट ए गैप इन जियोलॉजिकल रिकॉर्ड। तो यहाँ पर होता है कि जैसे कोई भी सेडिमेंट्री रॉक यहाँ पर मतलब सेडिमेंट्री रॉक कब बनता है? ऑब्वियसली जब भी सेडिमेंटेशन होता है। सेडिमेंटेशन कब होगा? जब वेदरिंग और इरोजन होता है। वेदरिंग इरोजन होने के बाद कहीं ना कहीं वो आके डिपॉजिट होता है लोअर एलिवेशन पोर्शन पे। तो सपोज ये एक मेरा बेसिन है, यहाँ पर आके कुछ सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गया है, ठीक है। कुछ सेडिमेंट्स यहाँ पर आके डिपॉजिट हो गए, बट यहाँ पर अभी सपोज ये कोई सेडिमेंट्स आके डिपॉजिट हो गए बट अभी यहाँ पर और बहुत ईयर तक यहाँ पर डिपॉजिट नहीं हुए, ठीक है। डिपॉजिट नहीं हुए फिर कुछ ईयर के बाद मतलब समझ लीजिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल 20 ईयर के बाद फिर अगेन कोई एक स्टाटा डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। कोई 20 ईयर के बाद, ठीक है। ये जो स्टाटा यहाँ पर और एक भी दिख रहा है आपको, ये स्टाटा 20 ईयर के बाद डिपॉजिट हुआ इसका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? तो यहाँ पर ब्रेकेज दिखा। किसका ब्रेकेज दिखा? एज गैप का, ठीक है। जियोलॉजी का जो एज रहता है या फिर जियोलॉजिकल रिकॉर्ड का जो गैप का यहाँ पर आपको गैप देखने को मिला, इसी को ही कहीं ना कहीं हम बोले अनकन्फर्मिटी। मीन्स ये तो दो 20 ईयर के बाद डिपॉजिट हुआ बट इसको हम सेपरेट कैसे कर रहे हैं? यहाँ पर प्लेन रहता है या फिर इसको ही हम बोलते हैं अनकन्फर्मिटी, ठीक है। तो अनकन्फर्मिटी आर फॉर्म्ड व्हेन देयर इज ब्रेक ऑफ सेडिमेंटेशन। ऑब्वियसली यहाँ पर सेडिमेंटेशन का ब्रेक हुआ 20 ईयर के बाद फिर सेडिमेंटेशन हुआ। दिस क्रिएट ए गैप इन जियोलॉजिकल रिकॉर्ड, ठीक है। जियोलॉजिकल रिकॉर्ड में इसी को एक गैप यही क्रिएट करता है, इसी को हम कहीं ना कहीं बोलते हैं अनकन्फर्मिटी। और भी इजी लैंग्वेज में उसका देखते हैं डेफिनेशन, ठीक है। इट इज अन इरोजनल सर्फेस दैट सेपरेट्स ओल्डर रॉक फ्रॉम द यंगर रॉक, ठीक है। यही डेफिनेशन कहीं ना कहीं आई थिंक आप खोज रहे थे, ठीक है। यही डेफिनेशन का आप वेट कर रहे थे उतना टाइम से, और यही उसका प्रॉपर जो डेफिनेशन अगर बोलिएगा तो इस यही है उसका प्रॉपर डेफिनेशन, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है? इट इज़ अन इरोजनल सरफेस। ये एक इरोजनल सरफेस है। हम बात कर रहे हैं अनकन्फर्मिटी का, ठीक है। क्या है अनकन्फर्मिटी? एक इरोजनल सरफेस है। इरोजन कब होगा? ऑब्वियसली जब कोई ना कोई रॉक एक्सपोज होता है एटमोसफियर में। जब भी कोई रॉक एटमोसफियर में एक्सपोज होगा तो उसके ऊपर वेदरिंग होता है, इरोजन होता है, ठीक है। ये सब फेनोमेनन चलते रहते। तो यहाँ पर होता क्या है?
इरोजन हो रहा है, ठीक है, जो रॉक पहले से एग्जिस्ट है और इरोजन की वजह से आप यहाँ पर सेपरेट कर सक रहे हो ओल्डर और यंगर बेड को। तो यहाँ पर होके शेरा फिर से थोड़ा सा फिगर के द्वारा एक्सप्लेन करने को ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, इट इज़ एन इरोजनल सर्फेस दैट सेपरेट्स रॉक ओल्डर रॉक फ्रॉम यंगर रॉक। तो यहाँ पर ओल्डर और यंगर रॉक का बात आ रहा है, मीन्स यहाँ पर सेपरेशन का बात आ रहा है। यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, दो बेड को, ठीक है, यहाँ पर दो बेड को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, या फिर यंगर और एल्डर का बात कर रहे हैं, यंगर और ओल्डर बेड का बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर दो डिफरेंट बेड्स का बात कर रहे हैं। जब भी दो डिफरेंट बेड्स का बात आएगा तो यहाँ पर हम एज का ऑब्वियसली बात करते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, सपोज कोई भी एक रॉक बेड बन गया ड्यू टू सेडिमेंटेशन, ये रॉक बेड बन गया, बट यहाँ पर अभी सेडिमेंटेशन बहुत ईयर के लिए नहीं हो रहा। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था 20 ईयर के लिए सेडिमेंटेशन नहीं हो रहा था, वहाँ पर 20 ईयर के लिए सेडिमेंटेशन अगर नहीं हो रहा था तो वहाँ पर हो क्या होगा, ऑब्वियसली वहाँ पर नेचुरल जो फेनोमेनन वहाँ पर एक्ट करेंगे। नेचुरल फेनोमेनन बोलने से यहाँ पर कहीं ना कहीं ये एटमोसफियर पे मतलब एक्सपोज है, तो यहाँ पर वेदरिंग एक्ट करेगा, इरोजन एक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर और फर्दर सेडिमेंटेशन नहीं होगा कुछ टाइम के लिए, तो ये क्या कर जाएगा, टाइम के साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये इरोड होने को देखने को मिलेगा, ठीक है, ये इरोड हो गया, ये तो इरोड हो गया। फिर मतलब कुछ ईयर के बाद यहाँ पर फिर सेडिमेंटेशन हो गया, ठीक है, यहाँ पर फिर सेडिमेंटेशन हुआ। इसी तरह फिर यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कुछ ईयर के बाद इरोजन होगा, फिर सेडिमेंटेशन होगा, ठीक है, डिपेंड करता है कितना अमाउंट का सेडिमेंट आ रहा है या फिर डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक टाइम इंटरवल हो गया, टाइम इंटरवल होने की वजह से यहाँ पर देखिए इरोजन देखने को मिला, अंडुलेशन देखने को मिला, इरेगुलरिटी देखने को मिला, किसमें, प्रीवियस जो भी रॉक बेड था जो पहले से डिपॉजिट था। तो यही जो इरोजन है या फिर अंडुलेशन है, यही सेपरेट क्या कर रहा है, ये सेपरेट कर रहा है कि ये नीचे वाला जो है ओल्डर है और कहीं ना कहीं टाइम के साथ ये इरोड हो गया, फिर उसके ऊपर और एक यंगर बेड डिपॉजिट हुआ। तो ये यही जो इरोजन सरफेस है या फिर जो अंडुलेशन आपको दिख रहा है या फिर इरेगुलरिटी दिख रहा है, इसी को ही हम बोले अनकन्फर्मिटी। तभी आई होप आपका क्लियर हो गया होगा अनकन्फर्मिटी है क्या, इट इज़ एन इरोजनल सरफेस, ठीक है। देखिए ऑब्वियसली एक इरोजनल सरफेस, अब इरोजन क्यों होगा, क्योंकि बहुत टाइम के लिए अगर कोई भी रॉक बेड एक्सपोज होता है एटमोसफियर पर तो ऑब्वियसली वहाँ पर इरोजन आग करना ही करना है, ठीक है। और ये इरोजन के यही इरोजन आपको बता रहा है कि नीचे वाला जो रॉक बेड था पहले बना, उसके बाद उसके ऊपर फिर और रॉक बेड डिपॉजिट हुआ। तो यहाँ से पता क्या चला, नीचे वाला ओल्डर है, यहाँ पर यंगर है, यही को कहीं ना कहीं हम बोल रहे हैं अनकन्फर्मिटी, और ये सेटिस्फाई भी कर रहा है अनकन्फर्मिटी का डेफिनेशन। ओके, और बाकी सब भी अनकन्फर्मिटी का डेफिनेशन ऑब्वियसली है, ठीक है। तब उसका अब हम तो बोल दिया अनकन्फर्मिटी, बट अनकन्फर्मिटी जो हम बोल दिया अब यूं ही ये नहीं बन जाता, इसका भी कोई एक स्टेज है, ठीक है, कुछ स्टेजेस के द्वारा आपको अनकन्फर्मिटी नेचर में बनने को देखने को मिलेगा। मीन्स हम रेंडमली नहीं बोल सकते हाँ 2 दिन में या फिर कुछ दिन में अनकन्फर्मिटी बन गया। अनकन्फर्मिटी बनने के लिए भी बहुत टाइम इंटरवल लगता है, बहुत ईयर लगते हैं, और ये डायरेक्टली एक बार में नहीं बन जाता, ये इसका भी कुछ स्टेज है, स्टेज के द्वारा ये बनता है। मीन्स एक बार में ही कोई अनकन्फर्मिटी नहीं बनेगा, कुछ स्टेजेस के द्वारा ये पास करता है, उसी स्टेजेस के द्वारा आपको अनकन्फर्मिटी बनते हुए देखने को मिलेगा। तब वो अब स्टेजेस क्या है डिस्कस करते हैं वन बाई वन, वो किस किस स्टेजेस के द्वारा रॉक बेड जाता है, तो उसके वजह से आपको रॉक बेड में अनकन्फर्मिटी देखने को मिलता है। तो सबसे पहला जो स्टेज है द फॉर्मेशन ऑफ ओल्डर रॉक, ऑब्वियसली जब भी ओल्डर रॉक बनेगा तभी तो हम उसको मतलब सेपरेट कर सकते हैं कौन रॉक ओल्डर है कौन यंगर है, तो उसी की वजह से आपको देखने को मिलेगा अनकन्फर्मिटी। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, पहला स्टेज जो हम देख रहे हैं यहाँ पर कोई रॉक एक बेड एक तो बन गया, ठीक है। देखिए हम फिगर के द्वारा यही स्टेजेस को भी एक्सप्लेन करने को ट्राई करेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ ओल्डर रॉक फॉर्म हो गया, ठीक है, अब यहाँ पर ओल्डर रॉक बन गया, अब यहाँ पर सडनली तो और रॉक मतलब और एक बेड नहीं होगा, ठीक है। सपोज ये और रॉक बेड भी बन गया और एक बन गया और एक रॉक बेड, तो ये तो एक ही रॉक बेड हो गया, मीन्स ये दोनों ओल्डर ही हो गए, ठीक है। अगर टाइम इंटरवल का गैप ज़्यादा नहीं रहा तो ये दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, सेम एज के रॉक। तो यहाँ पर हम बात करें डिफरेंट एज के, यंगर और ओल्डर रॉक का बात करें, तो जब यंगर कब होगा, जब कुछ ईयर इंटरवल के बाद अगेन सेडिमेंटेशन होगा, मीन्स कुछ ईयर के बाद अगेन सेडिमेंट का लेयर बनेगा या फिर डिपोजिशन होगा, सेडिमेंटेशन होगा, तो उसी को ही हम बोल रहे हैं यंगर, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज ये दो लेयर बन गए, डिपॉजिट हो गए, सपोज ये दो लेयर फॉर एग्जांपल 2021 में डिपॉजिट हुआ, ठीक है, ये दो लेयर बन गए। फिर अगेन जो लेयर बनेंगे ऊपर, ये सपोज आपको 2019-1 में हुआ, तो यहाँ पर इंटरवल कितना रहा, 70 ईयर का। ये बस एक रैंडमली मैं आपको ये समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर इंटरवल आपको कितना देखने को मिलेगा, 70 ईयर का। 70 ईयर के बाद कोई एक फिर रॉक बेड यहाँ पर डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो इसी को हम बोले द फॉर्मेशन ऑफ ओल्डर रॉक, ओल्डर रॉक तो बन गया, सब एरियल इरोजन ऑफ द ओल्डर रॉक, ठीक है। अब ओल्डर रॉक बन गया, अब इसका सब एरियल इरोजन होगा, मीन्स अब यहाँ पर जो 70 साल ये मतलब एटमोसफियर के साथ रहेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको इरोजन देखने को मिलेगा, क्योंकि मतलब यहाँ पर टेम्परेचर है, प्रेशर है, सन का टेम्परेचर रहेगा, विंड रहेगा, ठीक है, रिवर है, ग्लासियर है, डिफरेंट डिफरेंट जो एजेंट है एक्ट करने ही वाले हैं एटमोसफियर पे, नेचर पे, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मतलब 70 साल से एक्सपोज होके है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अंडुलेशन या फिर इरोजन देखने को मिलेगा, ठीक है, इरोजन देखने को मिलेगा।
अब इरोजन देखने को मिलेगा और वेदरिंग देखने को मिलेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो ये स्मूथनेस यहाँ पर नहीं रहेगा, स्मूथनेस नहीं रहेगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, ऑब्वियसली यहाँ पर इरेगुलरिटी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सेकेंड स्टेज भी यही है, सब एरियल इरोजन ऑफ द ओल्डर रॉक, ओल्डर रॉक का इरोजन हो गया। फॉर्मेशन ऑफ द यंगर सोसेशन, ठीक है, ऑफ बेड्स, ठीक है, यंगर सजेशन बेड्स अब यहाँ पर बनने लगेंगे, मतलब जब इरोजन हो गया 70 साल के बाद, फिर यहाँ पर फिर अगेन सेडिमेंटेशन हो रहा है, फिर सेडिमेंटेशन हो रहा है मीन्स ये कहीं ना कहीं ओल्डर रॉक था 70 साल के बाद हो रहा, तो ऑब्वियसली ये अगर ये ओल्डर रहेगा उससे यंगर कौन रहेगा, ऊपर वाला बेड रहेगा, ये रहेगा यंगर। तो यहाँ पर हुआ क्या, फॉर्मेशन ऑफ यंगर सजेशन एंड बेड्स एबव द सर्फेस ऑफ इरोजन। अब जब भी यहाँ पर रॉक डिपॉजिट होगा तो थोड़ी ना अब यहाँ पर ये स्मूथनेस दिखाएगा, क्योंकि 70 साल अगर एटमोसफेयर पे एक्सपोज होकर रहता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा वेदरिंग और इरोजन, तो यहाँ पर ये इरेगुलरिटी दिखाएगा और इसी के ऊपर आपका जो यंगर रॉक बेड्स रहेगा, यंगर सजेशन रहेगा, डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो यही है इसका स्टेजेस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका जो 3 स्टेजेस, सबसे पहले क्या हो रहा है, ओल्डर रॉक फॉर्म हो रहा है, उसके बाद बहुत दिन के साथ मतलब बहुत दिन तक ये एटमोसफेयर में एक्सपोज होकर रह रहा है, तो इसी उसके वजह से यहाँ पर मतलब इरोजन हो रहा है, इरोजन हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसी को ही हम बोले सेकंड जो स्टेज है सबेरियल इरोजन, ठीक है, ओल्डर रॉक का सबेरियल इरोजन हुआ। पहला स्टेज क्या था, ओल्डर रॉक बनना, सेकेंड क्या स्टेज है, इरोजन होना, ठीक है, और थर्ड स्टेज है वही इरोजन सर्फेस के ऊपर और एक रॉक बेड या फिर मल्टीपल रॉक बेड का डिपोजिशन होना। तो यही 3 स्टेज है, इसके द्वारा आपको अनकन्फर्मिटी देखने को मिलता है, और इसी जो इरोजन सरफेस को ही हम बोलते हैं अनकन्फर्मिटी। तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, बट इसको बहुत से स्टूडेंट इसको मतलब बहुत हार्ड वगैरह कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसका कुछ टाइप्स है, ठीक है, अनकन्फर्मिटी का भी कुछ अपना एक टाइप्स है, ठीक है, डिपेंड ऑन किसके ऊपर डिपेंड करता है उसका टाइप्स, किस तरह उसका जो भी अभी हमने देखा इरोजनल सर्फेस रहेगा, और यहाँ पर मतलब नीचे वाला बेड कितना मतलब किस टाइप का बेड रहेगा, ऊपर वाला किस टाइप का बेड रहेगा, उसका पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अनकन्फर्मिटी को क्लासिफाई किया, मतलब मेजरली मेनली क्लासिफाई किया 4 टाइप में, ठीक है। मेजर क्लासिफिकेशन जो है इसका 4 टाइप है, फिर अगेन माइनर तो उसका कुछ टाइप्स है ही, बट जो मेन यूज होता है इन स्टाटिग्राफी बोल लीजिए पहले, और उसके बाद आप बोल लीजिए इसको सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी में या फिर स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में, मतलब यही 4 टाइप का कॉन्सेप्ट का यूज होता है आपको, ठीक है, यही 4 टाइप का जो हमने टाइप देखा इन्हीं का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यूज होता है। तो 4 टाइप्स क्या है, एक है हमारे पास एंगुलर अनकन्फर्मिटी, अगेन है हमारे पास डिसकन्फर्मिटी, अगेन हमारे पास है लोकल अनकन्फर्मिटी, और एक है नॉन कन्फर्मिटी, ठीक है। ये 4 टाइप के अनकन्फर्मिटी आपको मतलब जनरली देखने को मिलते हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं भाई क्या, पहले हमने बोला एंगुलर अनकन्फर्मिटी, तो चलिए देखते हैं एंगुलर अनकन्फर्मिटी है क्या। यहाँ पर टर्म में ही एंगुलर है मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पर बात होगा एंगल का, कहीं ना कहीं बात होगा इंक्लिनेशन का, कहीं ना कहीं बात होगा यहाँ पर टिल्टेशन का, ठीक है। तो यहाँ जब भी बात होता है एंगुलर का तो यहाँ पर आपको पता है एंगल का बात होगा, तो यहाँ पर एंगल का बात किस तरह होगा, कहीं ना कहीं यंगर और ओल्डर रॉक का पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। ऑब्वियसली अनकन्फर्मिटी में हम देख ही क्या रहे, सेपरेट कर रहे हैं ओल्डर और यंगर बेड को, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रहा है एंगुलर अनकन्फर्मिटी, तो एंगुलर मतलब ओल्डर और यंगर बी के रॉक के बीच में कहीं ना कहीं आपको एंगल देखने को मिलेगा, इंक्लिनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका डेफिनेशन देखते हैं, द रॉक बेड्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ एंगुल मतलब एंगुलर अनकन्फर्मिटी आर नॉट पैरेलल। ऑब्वियसली यहाँ पर स्टार्टिंग में ही बोला गया एंगुलर रहेगा, तो यहाँ पर पैरेलल होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, द रॉक बेड ऑन अपोजिट साइड ऑफ एंगुलर अनकन्फर्मिटी। तो यहाँ पर अभी मैं थोड़ा सा आपको फिगर बना के दिखाता हूँ, जैसे कोई भी 2 रॉक बेड है हमारे पास, ये एक रॉक बेड है, ठीक है, और ये एक रॉक बेड है, ठीक है। तो ये दोनों रॉक बेड के बीच में क्या हो रहा है, तो ये तो भी मैं दिखाया आपको, ये पैरेलल आपको दिख रहा है, बट ये इन केस ऑफ एंगुलर अनकन्फर्मिटी यहाँ पर पैरेलल इस तरह का अरेंजमेंट नहीं दिखेगा दोनों रॉक बेड में, ये रॉक बेड ओल्डर रहेगा और ये यंगर रहेगा। तो इस टाइप के जब भी रॉक बेड आपको देखने को मिलेगा तो इसको आप एंगुलर अनकन्फर्मिटी नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर होगा क्या, कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन देखने को मिलेगा, किस तरह का इंक्लिनेशन देखने को मिलेगा वो अभी मैं बताऊंगा। सबसे पहले बात आपको अनकन्फर्मिटी क्या है समझ में आना चाहिए, अनकन्फर्मिटी जो रहता है कि मतलब प्लेन ऑफ डिसकंटिन्यूटी रहता है जो सेपरेट करता है 2 रॉक बेड को, ओल्डर से यंगर को सेपरेट करता है। अब ये अनकन्फर्मिटी क्या है इसकी मतलब ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियो में, तो आई होप आपको पता ही होगा अनकन्फर्मिटी है क्या। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम देखते हैं एंगुलर अनकन्फर्मिटी, तो यहाँ पर क्या होगा ना, एंगल देखने को मिलेगा, द रॉक बेड्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ एंगुलर डिसकन्फर्मिटी आर नॉट पैरेलल, पैरेलल नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली वो एंगुलर रहेगा, ठीक है, टिल्टेड रहेगा। तो क्या है फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ द बेड्स बीनीथ द इरोजनल सर्फेस, अब इरोजनल सर्फेस किसको बोल रहे हैं, उसी अनकन्फर्मिटी को ही हम इरोजनल सर्फेस बोल रहे हैं। इफ द बेड्स बीनीथ द इरोजनल सरफेस आर फोल्डेड या फिर टिल्टेड, यहाँ पर आ गया ना बात, देखिए फोल्डेश फोल्ड मतलब फोल्डिंग का या फिर टिल्टेशन का या फिर एंगुलर रिलेशनशिप का, ठीक है। इफ द बेड बीनीथ द इरोजनल सरफेस मीन्स ये जो हमने अभी इरोजनल सरफेस निकाला था मीन्स जो मतलब ओल्डर रॉक बन गया, यहाँ पर इरोजन हो गया, अगेन यंगर रॉक डिपोजिट है, तो ये जो इरोजनल सरफेस है यहाँ पर जो नीचे बेड रहेगा ये कहीं ना कहीं टिल्टेड रहेगा मीन्स इंक्लाइन रहेगा, या फिर ये फोल्डेड भी हो सकता है। फोल्डेड कैसा रहेगा,
मीन्स इस टाइप का रॉक बेड रहेंगे, ठीक है, इसके ऊपर इरोजन हुआ टाइम के साथ, फिर अगेन इसके ऊपर दूसरा लेयर डिपोजिशन हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए इसी को ही हम बोले फोल्डेड अप फोल्ड के, आप सभी को पता है, ठीक है, इस तरह का रॉक बेड जब भी आपको देखने को मिलता है जिगजैग स्ट्रक्चर में या फिर बेंडिंग देखने को मिलता है, इसी को ही हम बोलते हैं फोल्ड। तो इस टाइप का अगर नीचे वाला रॉक बेड देखने को मिला या फिर इस तरह का टिल्टेशन देखने को मिला या फिर इस तरह का डिपिंग देखने को मिला, तो इसी को ही हम बोलते हैं एंगुलर अनकन्फर्मिटी। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, इफ द रॉक बेड्स बीनीथ द इरोजनल सर्फेस आर फोल्डेड, या देखिए इस टाइप का अगर रॉक बेड फोल्डेड रहता है या फिर टिल्टेड रहता है, शो दैट देयर इज एन एंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन द ओल्डर एंड यंगर बेड, दिस कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड एंगुलर अनकन्फर्मिटी। ठीक है, तो एंगुलर अनकन्फर्मिटी क्या है, पैरेलल नहीं रहेगा। सबसे पहला बात, एंगुलर अनकन्फर्मिटी में ओल्डर और यंगर बेड पैरेलल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर रहेगा कैसे, स्टार्टिंग में ही मैंने बोला, जब भी आपको इस तरह का रॉक बेड देखने को मिले, नीचे वाला रॉक बेड टिल्टेड रहे या फिर इस तरह का फोल्डेड रहे। अब यहाँ पर इस तरह का रॉक बेड अगर फोल्डेड है तो इन दोनों के बीच में क्या पैरेललिज्म दिखा रहा है, नहीं। ये देखिए इसका अगर देखें अलाइनमेंट, ये ऊपर वाला रॉक बेड का यंगर का इस तरह और नीचे वाला रॉक बेड का इस तरह, तो यहाँ पर देखिए एंगल आपको बनते हुए देखने को मिल रहा है। या फिर इस केस में भी देखें तो यहाँ देखिए रॉक बेड इस तरह और यहाँ पर ऊपर वाला रॉक बेड का अलाइनमेंट इस तरह, तो यहाँ पर आपको एंगल देखने को मिल रहा है। तो जब भी इस तरह का एंगुलर रिलेशनशिप देखने को मिलेगा बिटवीन ओल्डर एंड यंगर रॉक बेड, ठीक है, तो इसी को ही हम बोलते हैं एंगुलर अनकन्फर्मिटी। ओके, तो पॉइंट को फिर से थोड़ा सा देखते हैं। इफ़ द बेड्स बीनीथ द इरोजनल सरफेस, इरोजनल सरफेस के नीचे जो बेड रहेगा या तो वो फोल्डेड रहे या फिर टिल्टेड रहे या फिर इंक्लाइन रहे, ठीक है, सो दैट देयर इज एन एंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन ओल्डर एंड यंगर बेड। तो इसकी वजह से ओल्डर और यंगर बेड के बीच में एंगुलर रिलेशनशिप एक बनता है, ठीक है, और उसी मतलब रिलेशनशिप को और उसी रिलेशनशिप का जो एंगुलर रिलेशनशिप बना उसका कॉन्टैक्ट को ही हम कहीं ना कहीं बोल रहे हैं एंगुलर अनकन्फर्मिटी, ठीक है, इसी को ही हम बोल रहे हैं एंगुलर अनकन्फर्मिटी, इसी जो इरोजनल सरफेस को हम बोल रहे हैं एंगुलर अनकन्फर्मिटी। ओके, द एटीट्यूड ऑफ द रॉक एबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ डिसकंटिन्यूटी डिफर फ्रॉम इच अदर, ऑब्वियसली एटीट्यूड हम किसको बोलते हैं, डीप और स्ट्राइक को। तो ये जो रॉक बेड का, ये देखिए ये जो रॉक बेड है इस तरह इंक्लाइंड है, इसका डीप किधर है, इसका डीप इधर है, और इसका स्ट्राइक की अगर बात करें तो इसका स्ट्राइक इस डिरेक्शन में, बट जब बात करते हैं इसका तो इसका डिपिंग तो जीरो मतलब डिग्री है, ठीक है, तो इसका स्ट्राइक इधर है, ठीक है, ऑब्वियसली इसका स्ट्राइक इधर है तो डिपिंग इसका जीरो डिग्री है, तो ऑब्वियसली इसका कहीं ना कहीं अगर बात करते हैं इसका डिपिंग का, तो इसका डिपिंग थोड़ा सा मतलब यहाँ पर एंगल बन रहा है, ठीक है, ये देखिए एंगल कुछ है, तो इसका डिपिंग जो रहेगा, इसका डिपिंग ऑब्वियसली डिफरेंट रहेगा, ये मतलब ये इंक्लाइंड है, ये पैरेलल है। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखा गया, एटीट्यूड हम किसको बोलते हैं, एटीट्यूड जो हमने टॉपिक देखा था स्टार्टिंग में स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में, एटीट्यूड कब बोलते हैं हम रॉक बेड का, जब भी हम डीप या फिर स्ट्राइक देखते हैं। तो ऑब्वियसली जो नीचे वाला बेड रहेगा इसका डीप कुछ अलग रहेगा, ऊपर वाला बेड का डीप अलग रहेगा। ओके, तो एटीट्यूड ऑफ द रॉक बेड एबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ डिसकंटिन्यूटी डिफर फ्रॉम इच अदर, ऑब्वियसली डिफर करने ही वाला है, क्योंकि एक इंक्लाइंड है एक पैरेलल है, या फिर एक इंक्लाइंड है और एक मतलब पैरेलल मैनर में अरेंज है। ओके, हियर बोथ द ओल्डर एंड यंगर रॉक आर सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, और यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ क्या है, यहाँ पर जो भी ओल्डर रॉक भी देखने को मिले या फिर यंगर रॉक भी देखने को मिले, ये दोनों सेडिमेंट्री रॉक ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, इसका कुछ पॉइंट्स, तो फिर से देखते हैं थोड़ा सा फिगर को अच्छे से। तो इस टाइप का जब भी आपको देखने को मिलता है अनकन्फर्मिटी, इसी को हम बोलते हैं एंगुलर अनकन्फर्मिटी। स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन क्या बोला, इसी प्लेन को जो ये जो प्लेन है जो सेपरेट कर रहा है एंगुलर और यंगर रॉक बेड को, ये यंगर रॉक बेड है, ये ओल्डर रॉक बेड है, तो इसको जो सेपरेट कर रहा है इसी को ही हम बोल रहे प्लेन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, या फिर इसी को ही हम बोल रहे हैं एंगुलर अनकन्फर्मिटी, इसी लाइन को हम बोलते हैं एंगुलर अनकन्फर्मिटी। ओके, तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में ही बोला था नीचे वाला या फिर ओल्डर रॉक बेड जो रहेगा इंक्लाइंड रहेगा या फिर फोल्डेड रहेगा, तो ऑब्वियसली ये इंक्लाइंड है। अब इसका डिपिंग इधर है और यहाँ पर इसका डिपिंग देखेंगे तो इधर है, इसका डिपिंग ही नहीं है, ये जीरो डिग्री डीप में है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर इसका एटीट्यूड भी वेरी कर रहा है, और यहाँ पर दोनों जो रॉक बेड है ये भी सेडिमेंट्री है, ये भी सेडिमेंट्री है, बट यहाँ पर नीचे वाला टिल्टेड है या फिर मतलब फोल्डेड भी रह सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैं टिल्टेड वाला आपको दिखाया, अगर फोल्डेड का बात करते तो आप इस तरह बना सकते हो फिगर, ठीक है, नीचे वाला रॉक बेड इस तरह फोल्डेड रहेगा और इसके ऊपर जो रॉक बेड रहेंगे, तो यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं आपको एंगुलर रिलेशनशिप दिख रहा है, यहाँ पर पैरेललिज्म आपको देखने को नहीं मिल रहा है, या फिर यहाँ पर भी देखिए एंगल देखने को मिल रहा है दोनों रॉक बेड में, यहाँ पर भी उसी तरह एंगल देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरह अगर ये रहता है तो यहाँ पर आपको एंगल देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पर एंगल आपको देखने को मिलेगा, तो इसी को ही हम बोले एंगुलर अनकन्फर्मिटी। यहाँ पर फिर से मैं आपको आपको एक क्विक ओवरव्यू दे रहा हूँ, यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर हम अनकन्फर्मिटी के द्वारा दो रॉक बेड को सेपरेट कर रहे हैं, ओल्डर और यंगर रॉक बेड को, जो भी मतलब सरफेस या फिर प्लेन सेपरेट करता है उसी को ही हम बोल रहे हैं एंगुलर अनकन्फर्मिटी, या फिर उसी को ही हम बोलते हैं प्लेन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, या फिर उसी को ही हम बोलते हैं अनकन्फर्मिटी। बट इसी अनकन्फर्मिटी को एंगुलर अनकन्फर्मिटी कब बोलना है, जब भी नीचे वाला ओल्डर रॉक आपको इंक्लाइंड दिखे या फिर फोल्डेड दिखे, जिसकी वजह से दोनों रॉक बेड के अंदर कुछ ना कुछ एंगल बनता है, तो इसी को ही हम बोलेंगे एंगुलर अनकन्फर्मिटी, क्योंकि टर्म में ही एंगुलर है। तो यहाँ पर बात होगा एंगल का, एंगल कब बनेगा, जब भी कोई रॉक बेड एक टिल्टेड रहेगा, ठीक है, तो
ऑब्वियसली ये टिल्टेड है, इसीलिए यहाँ पर एंगल बन रहा है। और यहाँ पर दोनों बेड का एटीट्यूड सेम नहीं रहेगा, क्योंकि एक टिल्टेड है, एक मतलब पैरेलल है। और यहाँ पर दोनों जो बेड रहेंगे, ये दोनों सेडिमेंट्री बेड रहेंगे। तो ये था ऑल अबाउट एंगुलर अनकन्फर्मिटी करेंगे। तो डिसकन्फर्मिटी है क्या? इट इज ऑल्सो नोन एज पैरेलल अनकन्फर्मिटी। तो डिसकन्फर्मिटी को पैरेलल अनकन्फर्मिटी भी बोला जाता है। तो यहाँ पर ये टर्म ही पैरेलल है, मीन्स यहाँ पर बात होगा पैरेललिज्म का, ठीक है। पैरेलल का बात किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा? ओल्डर और यंगर रॉक बेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्योंकि अनकन्फर्मिटी को हम देखते हैं क्यों है, हम अनकन्फर्मिटी को हम पढ़ते हैं क्यों है, अनकन्फर्मिटी को हम इसलिए पढ़ते हैं कि ओल्डर और यंगर रॉक के बीच में सेपरेशन हम कर सके, मीन्स ओल्डर और यंगर रॉक के बीच में हम डिफ्रेंशिएट कर सके, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट रॉक बेड को हम मतलब डिफ्रेंशिएट किस बेसिस पे करते हैं, वही चीज़ हम इन केस ऑफ अनकन्फर्मिटी पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो दोनों बेड रॉक बेड रहेंगे, या ओल्डर हो या फिर यंगर हो, दोनों पैरेलल में रहेंगे, ठीक है। पैरेलल में रहेंगे क्योंकि यहाँ पर टर्म है, यहाँ पर देखिए पैरेलल है। तो इसी को ही डिसकन्फर्मिटी को ही मतलब पैरेलल अनकन्फर्मिटी भी बोला गया है डिफरेंट डिफरेंट ऑथर के द्वारा, क्योंकि इसका पैरेलल रिलेशन रहता है, इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट ऑथर ने इसको नेम भी दे दिया पैरेलल अनकन्फर्मिटी। तो यहाँ पर होता क्या है, द रॉक बेड्स प्रेजेंट एबव एंड बिलो द डिसकंटिन्यूटी आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पर हो क्या रहा, रॉक बेड जो प्रेजेंट है, ठीक है, एबव एंड बिलो ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी किसको बोलते हैं? कोई भी इरोजनल सर्फेस को। यहाँ पर एक इरोजनल सरफेस है, तो ये एक रॉक बेड है, ठीक है, ये एक रॉक बेड है, ये एक रॉक बेड है, इसको मैं नेमिंग कर रहा हूँ ए, इसको नेमिंग कर रहा हूँ बी। तो ये ए और बी रॉक बेड को सेपरेट कौन कर रहा है? ये जो इरोजनल सरफेस है, तो इसी सरफेस को ही हम बोल रहे हैं अनकन्फर्मिटी। बट यहाँ पर अनकन्फर्मिटी सिर्फ बोल देने से नहीं होता, अनकन्फर्मिटी का खुद का एक टाइप है, ठीक है। वो जो सर्फेस किस तरह रहेगा, उसका नेचर क्या है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करके हमने अनकन्फर्मिटी को कुछ टाइप में क्लासीफाई किया था। सबसे पहला जो टाइप था एंगुलर अनकन्फर्मिटी, वो हमने वीडियो वन में देख लिया। तो आज हम देखेंगे डिसकन्फर्मिटी। डिसकन्फर्मिटी देखते हैं, तो इसी को ही हम बोले पैरेलल अनकन्फर्मिटी। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, द रॉक बेड्स प्रेजेंट एबव एंड बिलो द डिसकंटिन्यू मतलब डिसकन्फर्मिटी। ये जो डिसकन्फर्मिटी है, इसके ऊपर में जो भी रॉक बेड प्रेजेंट है और इसके नीचे भी जो भी रॉक बेड प्रेजेंट है, पैरेलल रहेगा एक दूसरे से, इसीलिए तो इसका नेमिंग भी किया गया है पैरेलल अनकन्फर्मिटी, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर और नीचे वाला जो भी रॉक बेड्स रहेंगे, या फिर ओल्डर और यंगर जो भी रॉक बेड्स रहेंगे, या फिर यहाँ पर ए और बी जो नेमिंग दिया गया है, दोनों रॉक बेड एक दूसरे के को पैरेलल होकर रहेंगे, पैरेलल रिलेशन दिखाएंगे, ठीक है। देयर इज नो एंगुलर रिलेशन, और इनके बीच में एंगुलर रिलेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट एंगुलर रिलेशन कब देखने को मिला था? जब भी मतलब ओल्डर बेड या तो वो टिल्टेशन दिखाए, या फिर फोल्ड मतलब फोल्डेशन दिखाए, या फिर फोल्डेड हो, तो उसी केस में हमको देखने को मिल रहा था एंगुलर अनकन्फर्मिटी। बट यहाँ पर एंगुलर रिलेशन का बात ही नहीं होगा, मीन्स यहाँ पर बात होगा पैरेलल का। पैरेलल का बात कब होगा? जब दोनों रॉक बेड पैरेलल रहेंगे एक दूसरे से, इसलिए इसका नेमिंग भी किया गया है पैरेलल अनकन्फर्मिटी। तो यहाँ पर होता क्या है, द लोअर एंड द अपर सीरीज ऑफ द बेड्स आर डीप आर द सेम अमाउंट एंड आर द सेम डिरेक्शन। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं पैरेलल रिलेशन का। तो ऑब्वियसली एक दूसरे से पैरेलल जब भी रहेंगे, मतलब ऊपर और नीचे वाले बेड या फिर ओल्डर और यंगर वाले बेड, तो उनके बीच में डिपिंग भी सेम रहेगा, क्योंकि वो एक दूसरे को पैरेलल है, ठीक है। डिपिंग भी सेम रहेगा और उनका जो मतलब अलाइनमेंट का डिरेक्शन रहेगा वो भी सेम रहेगा। तो ये चीज यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि पैरेलल कोई भी चीज रहेगा तो उसका डिपिंग भी सेम रहेगा, मीन्स ये इसका मतलब डिप अमाउंट अगर हम बोलते हैं 0 डिग्री, तो इसका डिप अमाउंट भी 0 डिग्री रहेगा, क्योंकि एक दूसरे को पैरेलल है। और अलाइनमेंट भी इसका देखिए सेम डिरेक्शन में, यही चीज यहाँ पर बोला जा रहा है, द लोअर एंड द अपर सीरीज ऑफ द बेड्स आर डीप आर द सेम अमाउंट एंड आर द सेम डिरेक्शन। सेम डिरेक्शन में भी डीप होगा, सेम अमाउंट ऑफ एंगल में भी वो डीप होगा। दिस टाइप ऑफ अनकन्फर्मिटी फाउंड इन सेडिमेंटरी रॉक, ठीक है, इस टाइप का अनकन्फर्मिटी भी सेडिमेंटरी रॉक में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दैट इज बोथ द यंगर एंड ओल्डर रॉक बेड्स आर सेडिमेंटरी ओरिजिन। तो यहाँ पर यंगर रॉक बेड भी और ओल्डर रॉक बेड भी जो रहेगा सेडिमेंटरी ओरिजिन का ही रहेगा, ठीक है, ना कि वो मेटामॉर्फिक या फिर इग्नियस ओरिजिन का रहेगा, ठीक है। इन केस ऑफ एंगुलर अनकन्फर्मिटी वहाँ पर भी दोनों जो थे सेडिमेंटरी ओरिजिन के थे, ओल्डर और यंगर बेड, यहाँ पर भी ओल्डर और यंगर बेड सेडिमेंटरी ओरिजिन के ही रहेंगे। तो इसका फिगर को थोड़ा सा देखते हैं, जो जो अभी हमने मतलब डिस्कस किया पॉइंट, या फिर जो जो पॉइंट हमने पढ़ा, तो उसका मतलब थोड़ा सा देखते हैं फिगर के द्वारा, समझने को ट्राई करते हैं। तो यही है फिगर डिसकन्फर्मिटी का, इसी को हमने बोला पैरेलल अनकन्फर्मिटी। ओके, यहाँ पर टर्म में ही पैरेलल है, मीन्स हमने स्टार्टिंग में ही बोला दोनों रॉक बेड जो रहेंगे, इसी को हम बोल रहे हैं ओल्डर रॉक बेड नीचे वाले को, और उसके ऊपर वाले को हम बोल रहे हैं यंगर रॉक बेड। अब इसको ओल्डर और यंगर हम सेपरेट कैसे कर रहे हैं? इसी प्लेन की वजह से। ये जो प्लेन है, ये मतलब इरोजन हो जाने के बाद फिर इसके ऊपर डिपोजिशन हुआ, बट ये जो इरेगुलरिटी दिखा रहा है, इसी को ही हम कहीं ना कहीं बोल रहे हैं प्लेन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और इसी को ही हम उसका नेचर के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं डिसकन्फर्मिटी। डिसकन्फर्मिटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर जो भी रॉक बेड है, इसके नीचे जो भी रॉक बेड है, दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, और इनका डिप का अमाउंट भी सेम है, डिरेक्शन भी सेम है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं डिसकन्फर्मिटी। और इनके केस में ये जो नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों बेड रहेंगे, ये रहेंगे सेडिमेंटरी ओरिजिन के, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए आपको पैरेललिज्म भी देखने को मिल रहा है, देखिए ये रॉक बेड इसके साथ पैरेलल, इसका अलाइनमेंट और इसका अलाइनमेंट सेम है, इसका भी अलाइनमेंट सेम है, तो सबका अलाइनमेंट सेम है, डीप डिरेक्शन सेम है,
डीप अमाउंट भी सेम है, तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं डिसकन्फर्मिटी, और इसी को ही बोला जा रहा है पैरेलल अनकन्फर्मिटी ड्यू टू इट्स पैरेलल रिलेशन। अनकन्फर्मिटी का एक टाइप है, इसको हम बोले लोकल अनकन्फर्मिटी। तो इसको लोकल अनकन्फर्मिटी क्यों बोले, क्योंकि इसका जो एक्सटेंड रहता है बहुत कम एरिया, मतलब कम एरिया में रहता है, ठीक है, लो मतलब लो तो नहीं बोल सकते, बट उसका जो मतलब एरियल एक्सटेंड रहेगा बहुत कम एरिया में रहता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लोकल इन एक्सटेंड, और इसी को ही हम टर्म दे रहे हैं इसीलिए लोकल अनकन्फर्मिटी। तो इसका नेम कहाँ से आया, इसका एक्सटेंशन के वजह से, मीन्स इसका जो डिस्टेंस रहेगा या फिर इसका जो कितना दूर तक ये अनकन्फर्मिटी है उसके अकॉर्डिंग इसको हमने नेमिंग दिया। बेसी दूर तक ये नहीं है, मीन्स ज़्यादा डिस्टेंस तक ये नहीं है, इसीलिए हमने इसको बोला लोकल इन एक्सटेंड। अब लोकल इन एक्सटेंड है इसीलिए हमने इसको नेम भी दे दिया लोकल अनकन्फर्मिटी। तो इसी को ही डिफरेंट डिफरेंट ऑथर के द्वारा बोला जाता है नॉन डिपोजिशनल अनकन्फर्मिटी। यही लोकल अनकन्फर्मिटी को डिफरेंट डिफरेंट ऑथर ने नेमिंग दिया नॉन डिपोजिशनल अनकन्फर्मिटी, और उसी को ही और दूसरे ऑथर ने भी नेमिंग किया डायास्टेम, ठीक है, ये देखिए डायस्टेम भी उसको नेमिंग किया गया, और उसी को ही बोला गया नॉन डिपोजिशनल अनकन्फर्मिटी भी बोला गया। देखिए लोकल अनकन्फर्मिटी बोलिए या फिर नॉन डिपोजिशनल अनकन्फर्मिटी बोलिए या फिर डायस्टेम बोलिए, सबका मीनिंग सेम ही है। इट इज सिमिलर टू द डिसकन्फर्मिटी, ये डिसकन्फर्मिटी के साथ सिमिलर है, बट इट इज लोकल इन एक्सटेंड, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला, इसीलिए इसका नेमिंग भी दिया गया लोकल अनकन्फर्मिटी। अब यहाँ पर जो ये तो आपको समझ में आ गया लोकल इन एक्सटेंड है, इसीलिए इसका नेमिंग दिया गया लोकल अनकन्फर्मिटी, बट यहाँ पर ये जो टर्म है डिसकन्फर्मिटी, ये क्या है? अब डिसकन्फर्मिटी हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था, तो आई होप आपको डिसकन्फर्मिटी पता है, या फिर अगर पता भी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो फिर भी मैं क्विक ओवरव्यू दे दूंगा, दे देता हूँ कि लोकल मतलब डिसकन्फर्मिटी है क्या, ताकि आपको हेल्पफुल हो समझने में। ओके देखते हैं डिसकन्फर्मिटी है क्या, उसके बाद हम देखेंगे लोकल अनकन्फर्मिटी को, क्योंकि जो लोकल अनकन्फर्मिटी है वो डिसअनकन्फर्मिटी के साथ सिमिलर ही है। तो देखते हैं लोकल अनकन्फर्मिटी को समझने के लिए सबसे पहले डिसअनकन्फर्मिटी को समझ लेते हैं। डिसकन्फर्मिटी को थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको लोकल अनकन्फर्मिटी समझने के लिए ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया ये जो लोकल अनकन्फर्मिटी, बट लोकल अनकन्फर्मिटी पढ़ने से पहले थोड़ा सा समझते हैं डिसकन्फर्मिटी क्या है। डिसकन्फर्मिटी क्या है, डिसकन्फर्मिटी हमने जो अभी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था वहाँ पर हमने क्या बोला था, जब भी बात आता डिसकन्फर्मिटी को तो उसी को ही हमने बोला था पैरेलल अनकन्फर्मिटी। पैरेलल अनकन्फर्मिटी मीन्स जब भी इरोजनल सर्फेस के नीचे और ऊपर वाले जो रॉक रहेंगे या फिर ओल्डर और यंगर जो रॉक बेड रहेंगे वो एक दूसरे के साथ पैरेलल रिलेशन में रहेंगे, और उनका जो एटीट्यूड रहेगा वो सेम रहेगा, मीन्स उनका बेड का जो एटीट्यूड रहेगा डीपिंग और उनका जो मतलब अलाइनमेंट और स्ट्राइक सब सेम रहेगा, ठीक है, ड्यू टू पैरेललिज्म, ठीक है, पैरेलल रहने की वजह से ये बेड्स एक दूसरे के साथ, ओल्डर और यंगर बेड एक दूसरे के साथ पैरेलल रहने की वजह से उनका जो मतलब डीप अमाउंट या फिर स्ट्राइक का डायरेक्शन अलाइनमेंट सब सेम रहता है, तो इसीलिए उसको पैरेलल अनकन्फर्मिटी भी बोला जा रहा है, ठीक है। और इन केस ऑफ पैरेलल अनकन्फर्मिटी और डिसकन्फर्मिटी तो वहाँ पर क्या था, दोनों ओल्डर और यंगर रॉक बेड जो था दोनों सेडिमेंट्री का था, यहाँ पर भी दोनों सेडिमेंट्री का रहेगा। अब यहाँ पर हमने मतलब डिसकन्फर्मिटी को क्यों डिस्कस किया, क्योंकि हमने अभी एक मतलब सेंटेंस देखा लोकल अनकन्फर्मिटी सिमिलर है डिसकन्फर्मिटी से, बट यहाँ पर एक्सटेंड का बात सिर्फ यहाँ पर जो रहेगा वेरिएशन आएगा एक्सटेंशन में, तो ये लोकल इन एक्सटेंशन है इसीलिए इसको हम बोले लोकल अनकन्फर्मिटी। तो यही है, इसका भी फिगर वही सेम ही है। यहाँ पर भी देखिए जो ओल्डर और यंगर रॉक बेड से दोनों, ये देखिए यहाँ पर जो एक है प्लेन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसको हम बोल रहे हैं, ये देखिए इसी को ही हम बोल रहे हैं लोकल अनकन्फर्मिटी, जो जो ओल्डर और यंगर रॉक बेड को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो यही है एक प्लेन जो कि यंगर और ओल्डर रॉक बेड को सेपरेट कर रहा है, इसी को ही हम बोल रहे हैं इरोजनल सर्फेस, और इसी को ही हम बोल रहे हैं प्लेन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, या फिर इसी को ही हम बोल रहे हैं लोकल अनकन्फर्मिटी, इसी को ही हम बोल रहे हैं अनकन्फर्मिटी, जिसको हम टाइप्स में देख रहे हैं ये है लोकल अनकन्फर्मिटी। यहाँ पर हो क्या रहा है, इसके नीचे जितना रॉक बेड और ऊपर जितना रॉक बेड दोनों एक दूसरे को पैरेलल में है। ओके नीचे वाला ये देखिए, ये नीचे वाला रॉक बेड जिसको हम बोल रहे हैं ओल्डर रॉक बेड, और ऊपर वाला जो रॉक बेड है यंगर रॉक बेड है, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल रिलेशन में है, मींस एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। अब ये जो इस तरह दिख रहा है ये इसको ये जो इंडिविजुअल को रॉक बेड मत समझिएगा, ठीक है, ये जो इंडिविजुअल दिख रहा है ये देखिए ये सब रॉक बेड नहीं है, टोटल ये एक रॉक बेड है, ठीक है। ये रॉक बेड को यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया, मीन्स यहाँ पर इंक्लिनेशन का बात नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऊपर वाला रॉक बेड और नीचे वाला रॉक बेड दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, ये देखिए इसका जो मतलब अलाइनमेंट है इस तरह है इन रॉक बेड्स का, उसी तरह नीचे वाला रॉक बेड का जो ओल्डर रॉक बेड है इनका भी अलाइनमेंट इस तरह है, तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं लोकल अनकन्फर्मिटी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल रिलेशन दिखा रहे हैं। और यहाँ पर भी आपको जो देखने को मिलेगा डीपिंग दोनों का सेम ही रहेगा, ऊपर वो जितना बेड है उनका भी मतलब डीप जो रहेगा नीचे वाला बेड का भी डीप सेम ही रहेगा। ओके तो ये तो अब बोलोगे टोटली
डिसकन्फर्मिटी के साथ लोकल अनकन्फर्मिटी सेम है, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या, डिफरेंस है यहाँ पर एक्सटेंशन में, ठीक है, ये कम रीजन में एक्सटेंड करेगा और वो जो हमारा था डिसकन्फर्मिटी वो बहुत ज़्यादा रीजन में एक्सटेंड करता है। तो यहाँ पर और एक चीज़ क्या है, द एज डिफरेंस बिटवीन द यंगर एंड ओल्डर रॉक बेड इज वेरी लेस, यहाँ पर जो एज का डिफरेंस रहता है बहुत लेस रहता है, मीन्स बहुत ही कम इंटरवल टाइम के बाद, मतलब जो टाइम का इंटरवल रहता है बहुत कम रहता है, बहुत कम टाइम के बाद फिर से अगेन सेडिमेंटेशन होता है, ठीक है। तो इसी को ही हम बोले लोकल अनकन्फर्मिटी, यहाँ पर एक्सटेंड में भी लोकल है और एज भी इसका कम रहता है, एज डिफरेंस, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट लोकल अनकन्फर्मिटी, नॉन कन्फर्मिटी को ही डिफरेंट डिफरेंट ऑथर के द्वारा बोला जा रहा है हेटेरोलिटिक अनकन्फर्मिटी, ठीक है। हेटेरोलिटिक अनकन्फर्मिटी क्यों बोला जा रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर बात हो रहा है हेटेरोलिटिक का, ठीक है। अब हेटेरोलिटिक का मीनिंग क्या है, हेटेरो को मीन से डिफरेंट, लिथिक का मीन से रॉक, ठीक है। हेटेरो मीन से डिफरेंट और लिथिक का मीन से रॉक, तो यहाँ पर डिफरेंट रॉक देखने को मिलेगा, ठीक है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल लिथिक का मीन से रॉक, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रहा है नॉन कन्फर्मिटी का, उसी को ही डिफरेंट डिफरेंट ऑथर के द्वारा बोला जा रहा है हेटरोलिटिक अनकन्फर्मिटी है। हेटरोलिटिक अनकन्फर्मिटी का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है मतलब रॉक बेड जो रहेगा इक्वल नहीं रहेगा, हेटरो मीन्स अनइक्वल और लिथिक का मीन रॉक, रॉक, ठीक है, अनइक्वल रॉक रहेगा, ठीक है। अनइक्वल रॉक मीन्स कहीं ना कहीं एक सेडिमेंट्री रहेगा, दूसरा इग्नियस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रॉक में सिमिलरिटी नहीं दिखाएगा, तो इसी को ही हम बोले नॉन कन्फर्मिटी, और इसी को ही डिफरेंट डिफरेंट ऑथर के द्वारा हेटरोलिटिक अनकन्फर्मिटी भी बोला जा रहा है, ड्यू टू इट्स मतलब प्रॉपर्टी, उसका प्रॉपर्टी क्या है, मतलब रॉक बेड में वेरिएशन देखने को मिलेगा, कोई रॉक बेड अगर इग्नियस है तो कोई सेडिमेंटरी रहेगा, उसके वेरिएशन को पॉइंट ऑफ मतलब वेरिएशन का पॉइंट ऑफ व्यू से ऑथर्स ने उसका नेम भी कर दिया हेटरोलिटिक, ओके, हेटेरोलिथिक अनकन्फर्मिटी। तो यहाँ पर जो क्या हो रहा है, ओल्डर रॉक आर प्लूटोनिक इग्नियस रॉक बट द यंगर रॉक्स आर मे बी सेडिमेंटरी रॉक और लावा फ्लो, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, इन केस ऑफ नॉन कन्फर्मिटी ओल्डर रॉक ऑब्वियसली प्लूटोनिक इग्नियस रॉक ही रहेगा, बट यहाँ पर जब बात होगा यंगर रॉक का वो मे बी सेडिमेंट्री रॉक भी हो सकता है या फिर उसी को ही बोला जा रहा है मतलब ये लावा फ्लो रहेगा, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक हो सकता है या फिर वहीं पर लावा फ्लो भी हो सकता है, तो इसी को ही बोला जा रहा है नॉन कन्फर्मिटी। अब अनकन्फर्मिटी क्या, आप सभी को पता है एक इरोजनल सर्फेस है जिसके ऊपर कहीं ना कहीं मतलब रॉक बेड को हम डिस्टिंग्विश करते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर जैसे कोई भी एक रॉक बेड है तो ये देखिए ये इरोजनल सर्फेस है, तो इरोजनल सर्फेस के ऊपर जो रॉक बेड रहता है इसका एज अलग रहता है, इसका जो ये जो रॉक बेड रहता है इसका एज अलग रहता है, तो इसी को ही हम बोलते हैं ओल्डर रॉक और इसी को ही हम बोलते हैं यंगर रॉक। तो ये जो मतलब अनकन्फर्मिटी ये सेपरेट करता है ओल्डर और यंगर रॉक बेड को, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करता है दो रॉक बेड को, तो इसी को ही हम बोलते हैं डिसकन्फर्मिटी। बट ये जो डिसकन्फर्मिटी है मतलब या फिर इसी को ही जो हम बोलते हैं अनकन्फर्मिटी प्लेन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये एक टाइप है मतलब इसका जो टाइप है अकॉर्डिंग टू मतलब इसका जो ऊपर और नीचे वाला रॉक के अकॉर्डिंग हम इसको बोल रहे हैं नॉन कन्फर्मिटी, क्योंकि नहीं मतलब यहाँ पर रॉक बेड में वेरिएशन देखने को मिल रहा है, ओके, मींस कोई रॉक डिफरेंट मतलब ओरिजिन का है, दूसरा रॉक कोई डिफरेंट ओरिजिन का, नीचे वाला अगर इग्नियस का है तो ऊपर वाला सेडिमेंट्री का, तो इसीलिए हम इसको टर्म दे रहे हैं हेटरोलिटिक भी बोल रहे हैं या फिर इसी को बोला जा रहा है नॉन कन्फर्मिटी। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, नीचे वाला रॉक जो रहेगा इग्नियस ओरिजिन का रहेगा, इग्नियस ओरिजिन का भी प्लूटोनिक रॉक रहेगा। अब आप सभी को पता है प्लूटोनिक रॉक कितना ग्रेटर डेप्थ में फॉर्म होता है, ठीक है, प्लूटोनिक रॉक नीचे वाला रहेगा और उसके ऊपर जो इरोजन के बाद ऊपर वाला रॉक में भी लावा फ्लो हो सकता है, जब लावा फ्लो होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे नॉन कन्फर्मिटी, अगर इसके ऊपर सेडिमेंटरी रॉक डिपॉजिट होता है तो इसको ही हम बोलेंगे नॉन कन्फर्मिटी एंड हेटरोलिटिक अनकन्फर्मिटी। हेटरोलिटिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि इक्वल नहीं है रॉक बेड, ठीक है, यहाँ पर इक्वल नहीं रहेगा, इक्वल कब नहीं रहेगा, जब यहाँ पर ये इग्नियस है तो यहाँ पर लावा मतलब सेडिमेंटरी रहेगा, लावा फ्लो रहेगा तो इक्वल हो जाएगा, तो इसको हम सिंपली बोल सकते हैं नॉन कन्फर्मिटी। बट हेटरोलिटिक अनकन्फर्मिटी कब बोलेंगे, जब यहाँ पर सेडिमेंटरी रॉक डिपॉजिट हो जाएगा, तो ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, द ओल्डर रॉक मे बी प्लूटोनिक इग्नियस रॉक बट द यंगर रॉक मे बी सेडिमेंटरी रॉक और लावा फ्लो, ओल्डर रॉक जो रहेगा प्लूटोनिक इग्नियस रॉक रहेगा और यहाँ पर लावा फ्लो भी हो सकता है या फिर सेडिमेंटेशन भी हो सकता है। हियर द इरोजन मस्ट हैव ऑकर टू एक्सपोज द प्लूटोनिक इग्नियस रॉक, यहाँ पर इरोजन जो रहता है प्लूटोनिक इग्नियस रॉक को, ऑब्वियसली ये प्लूटोनिक इग्नियस रॉक जो रहता है ग्रेटर डेप्थ में फॉर्म होता है, तो इरोजन की वजह से ये भी अर्थ सर्फेस के ऊपर एक्सपोज होता है और उसका जो सर्फेस भी इरोड हो जाता है, इसके ऊपर सेडिमेंटेशन होता है, तो यहाँ पर इसी को ही हम बोल रहे हैं नॉन कन्फर्मिटी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी इस तरह का कोई भी जियोलॉजी रिलेटेड वीडियो आए सबसे पहले उसे देख सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।